धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त हो। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। ये तो बिल्कुल नई शिक्षा है। हाँ हाँ, सचमुच महान है, अद्भुत। हमने ऐसी शिक्षा पहले कभी नहीं सुनी। कोड़ी आ रहा है। ए, दूर हटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जहाँ चले आ रहे हो? गुरुवर, इस कोड़ी को ना छुए। प्रभु, प्रभु, प्रभु। प्रभु, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। किसी को इसके बारे में ना बताओ, पर जाओ और अपने आप को मंदिर के पुजारी को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित अपनी भेंट चढ़ाओ, जो उनके लिए एक प्रमाण होगा।